हेलो दोस्तों, वेलकम चैनल। आज की सबसे लेटेस्ट न्यूज़ पे बात करते हैं कि इमरान खान ने जो हमारा जो पायलट था उनके यहाँ चला गया था गलती से या क्रैश हो के, चाहे ये बिल्कुल क्लैरिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आया कि किस तरीके से हमारा पायलट वहाँ पे क्रैश हो गया, लैंड हो गया, तो उसको पकड़ लिया था। और इमरान खान ने आज अनाउंस किया है कि हम इंडिया को कल वापस कर देंगे। तो ये बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है सबके लिए। और क्योंकि ये चीज़ इसलिए भी करनी पड़ी पाकिस्तान को, क्योंकि जिनेवा का ये पॉलिसी है, इंटरनेशनल पॉलिसी है, कि अगर किसी भी देश का सोल्जर अगर किसी और देश में ऐसे पहुंच जाता है तो 7 दिन के अंदर अंदर बिना किसी बुरे व्यवहार के, बिना उसे जलील किए, बिना उसे इंसल्ट किए, मारे पीटे, बिना किसी खरोच के इज्जत से रखें और 7 दिन के अंदर अंदर वापस कर दें। तो उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए जिनेवा की इंडिया को वापस किया जा रहा है हमारा पायलट, अभिनंदन। तो ये एक तरीके से बहुत ये रियल हीरो ही कहा जाएगा कि इनको, कि वहाँ जाते हुए भी किसी भी बात पे मुँह ना खोलना कि मैं इस बात को बताने के लिए अलाउड नहीं हूँ, मैं इसको नहीं बताऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने इंडियन मीडिया को बहुत एक नसीहत देना चाहता हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन नसीहत ही दूँगा कि ये लोग क्या करते हैं, तुरंत पहुँच गया उसकी फैमिली में और चेन्नई में कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहता, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, सारी फोटोज़ वायरल कर दी और सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में है और कोई भी एक्सेस कर सकता है उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। यही चीज़ जब अभिनंदन से पूछी गई तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस चीज़ को बताना नहीं चाहता हूँ। तो वो लोग मान गए, पाकिस्तानी मान गए, और अगले दिन हमारी ही इंडियन मीडिया ने सब कुछ वायरल कर दिया। तो बहुत टीआरपी और पी के चक्कर में, बिज़नेस करने के चक्कर में थोड़ी बेवकूफ़ी कर जाती है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि सब पॉलिटिकल और सब बिज़नेस इवन के रह चुका है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल लेवल पर जब कोई बात आती है थोड़ा इंटेग्रिटी दिखानी चाहिए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई खबर निकालनी चाहिए कि इस चीज़ का निकालने से कुछ बुरा असर ना पड़ जाए। मुझे पता है कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सब ठीक ही होता तो वही बता देते ना, अभिनंदन बता देते कि हाँ हाँ ऐसी ऐसी बात है, मेरी फैमिली चेन्नई, ये वो। उन्होंने पूछा कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में, कहाँ ये वो, किस लिए आए थे, कुछ नहीं बताया, एक शब्द नहीं बोला। तो आप कौन होते हैं उनकी एक एक चीज़ लीक करने वाले? इंडिया का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था कि हमें अपना पायलट चाहिए इमीडिएट इफेक्ट के साथ, तुरंत जितनी जल्दी से जल्दी हो सके चाहिए, और प्रेशर बनाया जा रहा था। और प्रेशर के साथ साथ ये जो पॉलिसी थी 7 दिन के अंदर वापस करने की, इन सब चीज़ों के काम में आने से, एक कॉम्बिनेशन से वापस भेजा जा रहा कल। तो बस इस टॉपिक पे तो यही बड़ी न्यूज़ है, और कुछ बुरा ट्रीटमेंट किया गया है नहीं किया गया है उस पर पता चलेगा आने के बाद, तो फिर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पॉलिसी में भी था कि आप कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, फिर एक्शन ले लिया जाएगा और इंटरनेशनल बात हो जाएगी। तो अब देखते हैं कल कब भेजते हैं, सही सलामत भेजते हैं कि नहीं, और सब कुछ ठीक रहता है कि नहीं, तो कल पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, जैसा भी आपको कुछ भी बताना हो तो।